बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं रंजना सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। ग्रामीणों ने लगाया ठेकेदार पर लापरवाही बरतने का आरोप, जिसकी वजह से हो रही है हादसे। दरअसल जनपद बिजनौर के सुहारा ठाकुर द्वारा मार्ग पर मरम्मत का कार्य चल रहा है। रोड पर बजरी डालकर मरम्मत की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है खाली बजरी डाली जा रही है, जिसके कारण यहां से गुजरने वाले वाहन अनियंत्रित होकर रोड किनारे खेतों में घुस रहे हैं। गनीमत रही कोई जानी नुकसान अभी तक तो नहीं हुआ। रोड पर मटेरियल सही न डाले जाने की वजह से यह हादसे हो रहे हैं। जिस तरह से बजरी डाली जा रही है उससे साफ दिख रहा है कि भ्रष्टाचार किस सीमा पर है। आज सुबह ठाकुर द्वारा बैंक में कार्य करने वाले एक व्यक्ति कार से जा रहा था, नवादे के पास पहुंचकर कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। वहीं दूसरी गाड़ी मुजफ्फरनगर से ठाकुर द्वारा जा रही थी और तीसरी गाड़ी काशीपुर जा रही थी। ग्रामीणों का कहना है यहां तो ऊपर वाले का रहम रहा, वरना कई जाने जा सकती थी। अब ग्रामीणों को खड़े होकर आने जाने वाले लोगों को रास्ता बताना पड़ रहा है। बिजनौर एक्सप्रेस से हमारा संवाददाता रोहित कुमार की एक खास रिपोर्ट। एक बार और आपके साथ कौन कौन था? और फिलहाल आपका पहले हुआ एक्सीडेंट किसका हुआ है? पहले मेरा जी, फिर दूसरी गाड़ी थी जी टैगो जी, फिर उसका हुआ है, फिर हैरियर थी जी। उसका भी एक केस हुआ है, उसके आमने सामने कोई नहीं था, हल्का सा रोड पे ब्रेक ले रही है और गाड़ियां घूम रही है। रोड के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? रोड के सर ठेकेदार की बिल्कुल कमी है इसमें जी, इस रोड को बना रहा है जी, उसकी लापरवाही की वजह से ये नुकसान हुआ है। और आपके मतलब जितने भी यहाँ पे और सब गाड़ी वाले हैं उनकी भी रोड के बारे में कुछ शिकायत है या नहीं? नहीं, उनकी भी पूरी शिकायत है। कुछ हॉस्पिटल में है, सब सिंगल सिंगल आदमी थे जी गाड़ी में, भी गाड़ी में तो गाड़ी का बैलेंस स्पीड में थी कैसे मतलब बता सकते? 50-60 स्पीड पे गाड़ियाँ फिसल रही हैं जी, उमरपुर से ये आधा किलोमीटर आगे जी जी, यहाँ पे बजरी की वजह से गाड़ियाँ फिसल रही हैं। नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम सोनू चौहान है। कहाँ से हैं? अमीरपुर गाँव पड़ता है, सिवारा थाना। ठीक है, तो आप रोड के बारे में मतलब रोड वालों को कंस्ट्रक्शन वालों को बताना। कंस्ट्रक्शन की ही कमी है जो ये तीनों को हुआ है, ये PWD की। आप अपनी नॉर्मल स्पीड से थे? बिल्कुल। गाड़ी ने स्लिप की वजह से डिसबैलेंस हुई? बिल्कुल, तीनों गाड़ी है, कई सारी गाड़ियां हैं, तीनों गाड़ी है, इसकी रोड की वजह से ही स्लिप हुई।